नथ गहना है या है बेटे। महुआ, तुझे क्या लगता है कि तेरे महादेव तेरे साथ हैं? तो चल फिर, आज हमारी बंदूक की गोली से बच के दिखा। दादी क्या कर रही? दादी, भाभी, भाभी, राधे, राधे, वो तुम ठीक हो? तू ठीक है ना? हाँ माँ। राधे, इतना खून बह रहा है। गोली बस छूकर गुजर गई। दादी, दादी हो क्या गया आपको? इतना गुस्सा, गोली चला गई। देखिए राधे की हालत। अरे शंभू, हम तो महुआ का। राधे, काहे बीच में आ गया तू? तो कहाँ करते दादी हम? भाभी को जान से। अच्छा लगा जान के कि मन से तो आप हमें ही भाभी मानते हैं, हमरे लिए गोली भी खा बैठे, फिर ये सब दिखावा काहे कर रहे हैं आप? अरे जिंदगी भर का छुटकारा मिल जाता है इतना तो तुराई से। जी, खबरदार बूंदी जी, महुआ के खिलाफ ऐसे सबका इस्तेमाल मत कीजिए हमारे सामने। और आप सब भी सुन लीजिए, जो कुछ हो रहा है इस घर में वो एक तरफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग महुआ को कुछ भी कहकर पुकारे, ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल करें उसके खिलाफ। अगर किसी ने किया ना, तो चाहे जो कोई भी हो, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। शंभू जी, इसकी वजह से आप अपने ही परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। शंभू जी, हम आपकी पत्नी है, वो नहीं। हाँ, लेकिन वो भी हमारी पत्नी थी ना बूंदी जी, आपसे पहले हमारी पत्नी थी, और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। और आप सबको पहली और आखिरी बार बोल रहे हैं, जिस जिसके भी दिमाग में महुआ को चोट पहुंचाने का ख्याल है ना, वो सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम आखिरी बार कह रहे हैं, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, और हर चीज ना हाथ पकड़ के बोलने की जरूरत आए बूंदी जी। शंभू जी हमारे पति है, तुम उनकी पत्नी नहीं हो, हम है उनकी पत्नी। कहाँ मिलेगा आपको ये नाटक करके? बोलिए सच, बता काहे नहीं देती, सबको बोलिए जी जी। अरे बताओ जरा, ये सरपंच जी के घर इतना बड़ा बवाल शोभा देता है का? महुआ, तेरी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। रुक जाइए अम्मा जी, आप किसी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये महिला मंडल वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंकू, आप सब आ गए, आपको ना हम ही नहीं फोन किया था। ये महुआ है ना, ये हमारी शादी बर्बाद करने में तुली हुई है, हम आपसे आगे हाथ जोड़कर कहते हैं हमें इसे छुटकारा दिलवा दीजिए। अरे चलो, इसके मुंह पे काली पोतो और धक्का मार के इसको घर से निकालो।